कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब, पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर, डाउनलोड पगार खाता। इस चेहरे को आप लोगों ने कई बार एक दूसरे के आमने सामने देखा होगा, एक दूसरे को ललकारते हुए देखा होगा, तीखी नोक झोंक करते हुए देखी होगी, लेकिन ये सब सिर्फ राजनीति के लिए है। अपने व्यक्तिगत जीवन में ये दोनों बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपना 49वां जन्मदिन मनाया। पूरे प्रदेश में उनके जन्मदिन के मौके पर जगह जगह कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हिंदू युवा वाहिनी ने तो मुख्यमंत्री जी के लंबी उम्र के लिए रुद्र अभिषेक तक करवा दिया। हर कोई सीएम साहब की लंबी उम्र की प्रार्थना कर रहा था। वहीं इसी शुभ अवसर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से भी सीएम योगी को बधाई दी गई। अखिलेश यादव ने बकायदा फोन करके मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, जिससे एक बात तो साफ है कि राजनीति में ये दोनों भले ही एक दूसरे के विपक्षी हों, लेकिन अपने पर्सनल लाइफ में एक दूसरे के प्रति प्रेम रखते हैं। अब कोरोना काल की वजह से सीएम योगी के जन्मदिन पर पार्टी ने बड़े स्तर पर तो कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं किया, लेकिन कई जगहों पर छोटे छोटे कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और गरीबों में फल का वितरण भी किया गया। अखिलेश यादव के अलावा कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के कई बड़े नेताओं ने भी सीएम योगी को जन्मदिन की बधाई दी और उनकी लंबी उम्र की कामना की। हमारे देश की राजनीति की यही तो खूबसूरती है, यहाँ मतभेद तो जरूर होते हैं लेकिन मनभेद नहीं होते। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।